रेलवे ट्रैक पर एक किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, क्योंकि किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने जाम लगा दिया है। आक्रोशित परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतक किशोर शिवम और उसके दोस्त घर से फोन करके ले गए थे। इसके लिए मृतक के परिजनों ने दोस्तों पर हत्या की आशंका व्यक्त की है। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाया था। जीआरपी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। एक सूचना मिली थी जीआरपी पुलिस को, कोई एक डेड बॉडी किसी लड़के की पड़ी हुई है, तो वो जीआरपी पुलिस ने उसमें कार्रवाई करी, उसका पीएम कराया, फिर इन लोगों को शंका थी तो ये लोग मृतक की डेड बॉडी को आफ्टर पीएम यहाँ ले आए थे। इनका उद्देश्य ये था कि पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में ये चीज़ लाए, तो जीआरपी पुलिस आ गई है। उन लोगों ने रोड पर गाड़ी वो वाहन लाश को रखने का प्रयास किया था, लेकिन हम लोग पहुँच गए, समझा बुझा के उनको हटा दिया है। अब उसमें कार्रवाई जीआरपी पुलिस कर रही है। 3:30 बजे स्कूल लास्ट सर बुला के ले गए थे बच्चे को मेरे को, और रेल की पटरी पे डाल के मार के डाल गए। अपन को नहीं मालूम सर, अपन कैसे गए चक्का जाम, एक लड़के से मालूम पड़ी हमें, लड़के ने बताई थी कि साहब किसी ने इसको धमकी दी थी मारने को मेरे को, उसको आ जाए आगे पता नहीं सर क्या लगता है। जाट अब गायब नहीं था सर, गायब नहीं था। रात को मेरे संग में खाना खाया 11 बजे, दोनों ने खाना खाया, तीनों चारों बाप बेटे ने बैठ के घर पे जब बुला के ले गए उसको सवेरे 3:30 बजे घर पे थे। 7 बजे मालूम पड़ी है जब मेरे पास फोन पहुंचा डीआरपी जानते हैं, मैं तो काम पे निकल गया था। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।